नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 22 दिसंबर 2023, समय 9:15:04 हो रहा है। प्री ओपन की बात करें, मार्केट तो ओपन ही हो गया, 42 पॉइंट निफ्टी है और बैंक निफ्टी निगेटिव है 40 पॉइंट के आसपास में। तो थोड़ा सा कॉशस, जैसा कि कल वाले बैंक निफ्टी वाले वीडियो में मैंने कहा था कि थोड़ा सा सावधान होना है, क्योंकि 48,000 के आसपास पहुंचा हुआ तो वहां से एक रिजेक्शन ले सकता है और एक नीचे का मूव वापस से स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि अब लंबा वीकेंड मिलेगा। 23, 24, 25 तक मार्केट बंद रहेगा, 25 को क्रिसमस है, तो 22 कल 23 हो जाएगा सैटरडे, परसों रविवार हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा आपका सोमवार जो है क्रिसमस। तो मार्केट लंबा समय के लिए बंद रहेगा, तो थोड़ा मार्केट में फॉल हो सकता है। मेरा एक पुट ऑप्शन है और मैं देखिए पुट ऑप्शन लेके रखा है, 149.48 चल रहा है, 47,300 का एक पुट ऑप्शन है। फिलहाल मैं इसी पे बना रहूंगा, मेरा कोई अभी नया ट्रेड इस पे नहीं बनेगा। व्यू मेरा थोड़ा निगेटिव ही है, जब तक कि वो कल के हाई के ऊपर नहीं निकल जाए ना, तब तक मैं पॉजिटिव नहीं हूँगा। और उम्मीद है कि वहाँ से एक रिजेक्शन, हालांकि यहाँ पे ये सस्टेन कर रहा है, आप देखें। आज मैं यहाँ पे चार्ट चेक करता हूँ, देखें इसका चार्ट कैसा है, कोटक नियो का चार्ट कैसा है, अच्छा मूव करता है या नहीं करता है पता नहीं, मूव ठीक ठाक करता है कि नहीं ये देखना है मुझे, इसलिए मैंने कोटक का चार्ट खोल के रखा है। तो ये देखिए, इसके नीचे 47,750 एक छोटा सा सपोर्ट रखा है नीचे की साइड में, और ऊपर की तरफ में रेजिस्टेंस है 47,930 के आसपास का। तो दोनों में से जिधर भी मूव करेगा ना, आपको बड़े ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। फिलहाल एक पुट ऑप्शन के साथ 132 रुपए के लॉस में बना, मैंने दूर का रखा है 47,300, क्योंकि जब बैंक निफ्टी गिरता है तो 400-500 पॉइंट एक साथ गिरता है, तो उसके हिसाब से ही मैंने ले रखा है। तो अभी फिलहाल देखेंगे, अगर मौका मिलेगा तो इसमें क्वांटिटी को एड भी कर सकते हैं, ठीक है ना, तो वेट करते हैं थोड़ा सा। जैसे बैंक निफ्टी दोस्तों एक रेंज में फंसा है, इसी तरह से पुट ऑप्शन भी देखिए, अगर ये रेंज अगर ब्रेकआउट करे तो आपको एक मामला बनेगा। तो बैंक निफ्टी का अगर मैं यहाँ पे देखूं चार्ट, तो चलिए देखते हैं, आज फायर्स की जगह मैं कोटक नियो में चार्ट देख रहा हूँ, देखते हैं इसका कैसा सर्विस है। सर्विस इम्पोर्टेंट है, चार्ट रेट इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। जब तक देखिए ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर रहा है, इसलिए पुट ऑप्शन पे रहेगा। मेरा क्या चल रहा है, मैंने एक पोजीशन ले रखा है अभी मात्र, अच्छा प्रॉफिट आ गया है ना। तो देखिए इस तरह से ना, एक छोटा सा एक मार दे, इसको पूरे दिन भर रखूंगा, एक ही लॉट है। देखिए पैसा यहाँ पे प्रॉफिट, ये नहीं है कि 40 रुपए हो रहा है कि 20 रुपए हो रहा है, इम्पॉर्टेंट ये है कि आखिर क्यों पुट ऑप्शन सेलेक्ट किया है ना। चलिए मैं अपना थोबड़ा दिखाता हूँ, ऐसे बिना थोबड़ा के बात करने में अच्छा नहीं लग रहा है कि नहीं। चलिए तो चलिए मेरा थोबड़ा के साथ मैं आ गया हूँ, और यहाँ देखिए कैसे बैंक निफ्टी ने नीचे की तरफ में ब्रेक डाउन किया। तो मेरा जो पुट ऑप्शन है वो मैं अभी भी 117 रुपए प्रॉफिट हो गया, और आप लोगों को भी मैंने पुट ऑप्शन नहीं दिया। तो इम्पोर्टेंट प्राइस नहीं है, प्रॉफिट की 5-10 रुपया हो रहा है कि 100 रुपया, पुट ऑप्शन ही क्यों लिया, या क्यों मैंने कहा कि मुझे निगेटिव साइड लग रहा है, ये मैंने कल के आंसर में आपको समझाया हुआ था। देखिए ऊपर की तरफ में आपको मैंने पहले बार भी बोला है, कितना बार, चलिए मैं थोड़ा सा लिखने वाला टैब जोड़ लेता हूँ, राइटिंग टैब, तो फिर जो है आपको और अच्छे से समझा पाऊंगा। उद्देश्य है सिखाना, सीख लिए तो पैसा बना लेंगे, नहीं सीखे तो भाई राम राम, एक मिनट में इसको नहीं सीखेंगे तो फिर राम सलाम करना पड़ेगा, क्या करेंगे, एक मिनट में इसको जो है हाँ एड कर दिया। अब यहाँ पर ये खोलूंगा, सारे हथियार औजार सारे निकल गए, ये इसको साइड कर लेते हैं फिलहाल। हाँ तो क्या हुआ कि 48,000 का इसका एक रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है, और कल का हाई देखते हैं तो 47,925 के आसपास में था ये, और आप यहाँ पे देखिए उसी के आसपास में 48,000 ही, ये 47,925 का जो हाई लगा तो लगभग 48,000, तो 48,000 और साथ ही नीचे 47,775-800 वाला जो रेंज, एक रेंज बना लिया। तो जाहिर सी बात, जो ये बक्सा बना हुआ है, ये बक्सा ही आपको बॉक्स स्ट्रेटेजी जो मेरा वाला है वो अगर आपने फॉलो किया होगा तो आपको यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट बन रहा होगा, और आप समझ भी पा रहे होंगे क्यों यहाँ पे मैंने पुट ऑप्शन की बात कहा। और हमारा प्रॉफिट देखिए एक सिंगल लॉट में 148 रुपए का हो गया, एक लॉट लगाने के लिए कितना पैसा लगा आप देखिए, ऐसे समझते हैं कि 150 रुपया 60 पैसा इंटू 15 तो 2,259 रुपए में 150 रुपए बन रहे। अगर 150 रुपए, अगर मान लीजिए 200 रुपए बन जाते या 220 रुपए, तो 10% बन गया, तो लगभग 10% से तो ज्यादा बन गया, यानी कि यदि 5% बन गया 138 रुपए के हिसाब से, तो 5% बनाना, तो अगर 5% का प्रॉफिट डेली हो रहा है आपको तो इस खराब है क्या, 5% का प्रॉफिट खराब नहीं है ना दोस्तों, ये आपको समझना पड़ेगा। अभी देखिए मैंने जो पुट ऑप्शन दिया है
उसका हिसाब किताब कितना चल रहा है, ट्रेड विथ चार्ट। ये देखिए कोटक को मैं चेक कर रहा हूँ एक्चुअली, इसका माइनस क्या है, प्लस पॉजिटिव व्यू क्या है, पॉजिटिव क्या है, अच्छा क्या है, खराब क्या है, इस वजह से जो है उसको मैं चार्ट यहाँ पे देख रहा हूँ। मेरा अकाउंट लगभग बहुत सारे ब्रोकर के पास है, मैं यूज नहीं करता हूँ, रखा रहता है। जैसे घर का कोई बंदा कुछ प्रैक्टिस करना चाहता है, ट्रेड करना चाहता है, तो उसको दे देता हूँ कि भाई यूज कर लो अपना, है ना। तो उससे मुझे पॉजिटिव निगेटिव जो है पता चल जाता है। अभी ये क्या हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सस्टेन कर रहा है 47,730 पर। कोई टेंशन वाली बात नहीं, आराम से हम लोग थोड़ा वेट करेंगे कि 47,700 के नीचे, यानी कि इसका मतलब है कि इसने एक रेंज को ब्रेक डाउन किया है। ऊपर से एक रेंज को देखते हैं तो 100-125 पॉइंट को ब्रेक डाउन कर लिया है। मेरा जो पॉजिटिव व्यू, माने नीचे की साइड में मेरा जो है वो पहला सपोर्ट एरिया जो परसों वाला था 47,600 वाला, वहां तक का एक व्यू बनता है, उसको टूटने के बाद 47,700 का, 500 का, ठीक है। तो 600 और 500 वो हमारा टारगेट होगा। पहला टारगेट होगा 47,600 और दूसरा टारगेट होगा, ये देखिए ये एक रेजिस्टेंस भी था तो फिलहाल भी वो सपोर्ट का काम करेगा, और दूसरा 47,500 वाला, ये वाला एरिया। तो फिलहाल जो है अभी मैं कहाँ पे चार्ट देख रहा था, ये देखिए ये तो आ ही नहीं रहा है ये। और फिर लोग कहेंगे कि फोन करके कि भाई कोटक ने अपडेट कर लिया है, फलाना कर लिया, धमकाना कर लिया, आप उसमें ट्रेड करिए, ब्रोकर लोग बोलते हैं। तो भाई ऐसा होगा तो कैसे होगा, ऐसे नहीं होगा मालिक, ऐसे नहीं। अभी मेरा देखिए 24 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है, अब ये भी फंस गया है, ये क्या कर रहा है। हाँ, इसे तो न चोल भी देता, चोल भी ना, ये भी फंस गया क्या। अच्छा लगता है सारा ब्रोकर का ही फंस गया क्या मामला, कि सिर्फ मेरा गया है, पता नहीं। यहाँ भी नहीं खुल रहा है, ये भी नहीं खुल रहा, ये तो चल रहा है, ये चल रहा है, यानी इंडेक्स का चार्ट चल रहा है, ऑप्शन का चार्ट नहीं चल रहा है, इसका मतलब है ना, ये बात है। इंडेक्स का चार्ट चल रहा है, ऑप्शन का नहीं चल रहा है, मे भी ऐसा हो सकता है। चलिए थोड़ा सा 147 रुपये मोबाइल में प्रॉफिट दिखा रहा है 147, और यहाँ गायब हो गया, कोई बात नहीं। देखिए भाई आप लोग के सामने ही जो कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, सब सामने में। अभी देखिए क्या स्क्रीन दिखाता है, आजा भाई, अब यहाँ पे लगता है आया होगा, अभी भी नहीं आया, कोटक में नहीं खुल रहा है, रिट्राई करें, रिट्राई ना ना चोल भी दादा। हाँ ये देखिए ये 156 का प्रॉफिट हो रहा है। चलिए तो मैंने आपको 47,700 का पुट ऑप्शन दिया हुआ था, चलिए यहीं पर चार्ट देख लेते हैं। 47,700 का पुट ऑप्शन, कितना पैसे यहाँ पे प्रॉफिट बना, 47,700 का पुट ये है, और इसने हाई लगा दिया है 285 रुपया 85 पैसे का। तो देखिए यहाँ पे ये धीरे धीरे दिया हुआ, ये चल रहा है धीरे धीरे, एक आध टारगेट 300 के आसपास भी आता है तो एक अच्छा प्रॉफिट आपको बन जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल 300 यहाँ आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। हमारा तो भैया दूर का है, मैंने तो दूर का, क्योंकि मैं देखता हूँ जब भी बैंक निफ्टी गिरता है तो तेज गिरता है, 200, 400 पॉइंट, 500 पॉइंट गिरता है ऐसे। ये देखिए गिर रहा है, बॉक्स ब्रेक हो गया, तो पहला टारगेट 47,600। तो लर्निंग इंपॉर्टेंट है, आप लर्न नहीं करेंगे, खाली बोलेंगे कि अच्छा ये बताओ ये कितना साल में इतना ऊपर जाएगा, भैया ऐसे थोड़ी होता है, है ना, ऐसे ना कितना साल में ये नीचे आएगा, या कितना साल में हम मेरा 1 लाख जो है 10 लाख बन जाएगा, या महीने में बताओ, ऐसे नहीं होता। आपको स्टडी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सिर्फ स्टडी ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप स्टडी नहीं करेंगे तो सेंटा शेयर हो जाएगा। अभी चल रहा होगा टीवी सब पे सेंटा शेयर नहीं, सेंटा शेयर ऐसे ही चलता है ना। हाँ ये देखिए अब यहाँ खुला चार्ट, इसने हाई लगा दिया है 291.70 यानी 92 का, लगभग 292 का हाई लगा दिया है पुट ऑप्शन ने, तो ठीक है चल रहा है, चलने देते हैं इसको, कोई बात नहीं, हमारा भी पोजीशन ठीक है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल स्टडी इंपॉर्टेंट है, आज वीकेंड है, एंजॉय करिए वीकेंड में, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रॉफिट बनाइए और काम करिए। देखिए काम वेरी इंपॉर्टेंट है, जब तक आप काम नहीं करेंगे, स्टडी नहीं करेंगे ना, तो आपको बकवास लग सकता है, मेरी ये बात है उन लोगों के लिए जो क्या कहते हैं उसको, कल्पित माइंडसेट है, मतलब एक तरह का सिर्फ मजा लेने के लिए ट्रेडिंग करते हैं, सीरियस होके अपने लाइफ के बारे में अपने प्रति सीरियस नहीं है, वो लोग जो है सिर्फ मजा लेने के लिए करते रहते हैं।
मेरा यही मानना है, मैंने कल एक बीच डाला था आज का विचार करके, जैसा कि मैं बीच बीच में डालता था, कि मनुष्य दूसरों की गलतियों से कभी नहीं सीखता जब तक कि वो खुद गलती ना करे और उससे ना सीखे, माने अपनी गलती से ही सीखता है। कहता है दूसरों की गलती सीखो, नहीं, हम अपनी पहले हम गलती करेंगे तभी हम सीखेंगे, ये आदत हो जाती है। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों। फिलहाल हमारा ट्रेड अच्छा ठीक ठाक है, और भी जगह रहता है मेरा ट्रेड, तो मैं जरा उसको भी मैनेज कर लूँ, है ना, क्या करें, करना पड़ेगा भैया, घर चलाना है, खाना खाना है ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी ना। आपसे पैसा मांगूंगा तो आप तो नहीं देंगे ना, कहेंगे क्यों दूंगा पैसा, कौन बात कर दूंगा पैसा, ऐसे अपना पैसा निकालने के लिए तो हमको और चीजों को यहाँ पे ट्रेड करना पड़ेगा ना भैया। दुख के दिन बीतो रे भैया, दुख के दिन बीते ला 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 इंजॉय कीजिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, टेंशन मत लीजिए, जीवन है ऐसे ही होता रहता है। अब देखिए ये वापस बाउंस कर रहा है 47,700 से, कोई दिक्कत नहीं है, हम तब तक सेफ हैं जब तक कि ये 48,000 के ऊपर ना निकल जाए तब तक हम सेफ हैं, या 47,930 के ऊपर जब तक ना निकले तब तक सेफ है, इसलिए ये टेंशन नहीं। ये थोड़ा जर्क आया फिर इस तरह से ये डाउन जा सकता है, एक चांस ये बनेगा, लेकिन अगर ये इस तरह से ऊपर धीरे धीरे चलता रहा तो हो सकता है यहाँ पे रिजल्ट वापस से इस जगह पर आ जाए। तो दोनों तरफ के व्यू आपको बिल्कुल बने रहना है अपनी एनालिसिस पर, बिल्कुल रिस्क मैनेजमेंट के साथ में। जैसे आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे अभी प्रॉफिट में थे, अभी लॉस में गए, लेकिन मैं बना हुआ, थोड़ा नीचे भी अगर आता है तो मैं एक आध क्वांटिटी एड भी कर सकता हूँ, है ना। फिलहाल जब तक नीचे नहीं आता है तब तक मैं ऐड नहीं करूंगा, वहां पे कोई टेंशन नहीं, वेट करेंगे। लरला जलने वाले जलिए गानों से, जल के राख भून हो जाइए मेरे गानों से। जिंदगी एक गाना सुना है, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। शक्ल कैसी भी हो, आपकी बात और आपका कहने का अंदाज और आपका विचार और आपका भाषा, लैंग्वेज, बोली मधुर होना चाहिए, वही रह जाता है इस संसार में, शरीर चला जाता है, शक्ल चला जाता है, बस जो आप कहते हैं, जो इस तरह से आप रिएक्ट करते हैं, जिस तरह से आप बात करते हैं, लोगों से मिलते हैं, वो रह जाता है सदा के लिए। इसलिए एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। आप लोग कभी अगर मुझे कॉल करते होंगे तो मैक्सिमम टाइम यही कॉलर ट्यून सुनाई देता होगा आपको, ये बिल्कुल थॉट है, बिल्कुल जीवन का सार है भैया। तो चलिए कुछ स्टॉक्स ढूंढते हैं। ला 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 रा ला ला ला, क्या क्या और इसमें फंक्शन है, इसमें कोई मेरा फंड तंड नहीं है, देख रहे हैं, खाली फंड ये ऐसे ही रखता हूँ, ऐसे ही देखने के लिए, कभी चार्ट वगैरह देख लिया, कुछ देख लिया, इसीलिए इसमें कोई फंड है। अच्छा इसके में स्क्रीनर है, देखें क्या देता है स्क्रीनर में, चलिए देखते हैं आपके सामने। लारा 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 ला 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 ला। चलिए इंट्राडे देखते हैं, नहीं मोस्ट पॉपुलर इंट्राडे वाला कुछ है। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बो। ला 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 ला, ऐसा कोई स्टॉक जो फ्यूचर वगैरह में हो। ला ला ला, ये राजू इंजीनियर से ये शेयर है ना, मैंने 37 या 40 के आसपास दिया था, और देखिए 230 चल रहा है। ला 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 ला, महलों में हो तेरे गीतों की मस्ती, गलियों में हो तेरे बोलों की मस्ती। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ फीचर टीचर रहे तब ना उसी का ना दूंगा भैया। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे हो। अडानी पोर्ट
30 पॉइंट ऊपर है, यानी कि 2.5%। लूजर में कौन है? इंफोसिस यानी आईटी में थोड़ा सा गिरावट है। ओके, गेनर में मतलब मेटल सेक्टर पॉजिटिव है। ठीक है ठीक है ठीक है। टाटा मोटर्स ला रा ला रा ला ला, यहाँ पे ऐड करते हैं टाटा मोटर्स है ना। ला 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 रा ला ला ला, एड करते ना नहीं दिखता है, इसको फिर रिफ्रेश करना पड़ता है तो दिखता है। यानी देखिए ये सब कुछ बग है, ये सब कुछ इसको अपडेट करने की जरूरत है ना। ला ये ऐसे लिखता रहता है, ये रिकॉर्ड इसको डालते ही नहीं, पैसा पैसा तो ऐसे लिखता रहता है। ला रा ला रा ला ला। वो तेरे तो की मस्ती गलियों में होते की मस्ती, बहुत अच्छा चल रहा है। इंफोसिस देखिए फिर रिफ्रेश करना पड़ता है, ऐड करते हैं फिर रिफ्रेश करना पड़ता है तब वहां दिखता है। तो ये सब कोटक वाले को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ दिया है डायरेक्ट आप देखने के लिए, लेकिन वैसे तो नहीं ना होगा मामला, यहाँ पे इंडेक्स दिया हुआ है, स्टॉक्स नहीं ना है। ला रा ला रा ला ला। हम मल्टीपल चार्ट खोल लेते हैं, ये एक अच्छा बात है, ये तो सब में अलग होगा। इंफोसिस हो तेरे गीतों की मस्ती गलियों में हो तेरे बोलों की मस्ती, क्या राजा क्या प्रजा क्या बूढ़ा क्या बच्चा, है थोड़ी तरम कम सर को झुकाए तू बैठा क्या है यार, गोरी से नैना जोर फिर दुनिया से बोल, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल जग। अच्छा ऐसा कहाँ मिलेगा ट्रेडर जो आपको गाना भी सुनाएगा सिखाएगा भी, बताइए है ना। कहाँ मिलता है बताइए ऐसा। ला 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 ला। ठीक है हो तेरे गीतों की मस्ती गलियों में हो तेरे गीत। देखिए यहाँ प्रॉफिट चल रहा है, 275 चल रहा है ना, 275 के आसपास में ऊपर गया, इसने हाई लगाया था 291 और अभी भी वहीं पर है। प्रॉफिट अच्छा नहीं लगता है, देखिए उंगली टेढ़ा हो जाता है, प्रॉफिट अच्छा नहीं लगता है। क्या करे, तो मैं भी हंसूंगा ना भाई। अब हंसन देखिए जीवन में हंसते रहिए खुश होते रहिए, ऐसे लिखना पड़ेगा ना। लॉस से डर नहीं लगता साहब, लॉस से डर नहीं लगता साहब, वो वाला चुलबुल पांडे वाला फिल्म का लॉस से डर नहीं लगता लगता साहेब, प्रॉफिट से लगता है। प्रॉफिट से लगता है, मैं इंजॉय करता हूँ प्रॉफिट से। देखिए जो काम करने रात में कर लिया, मतलब एनालिसिस कौन सा लेना है शेयर कौन सा बेचना है ना, और वो सब काम चल रहा है चारों तरफ। अब अभी एग्जीक्यूशन का बारी है, क्या है, सिर्फ एग्जीक्यूशन का बारी है ना। तो चार्ट पर अगर आता है तो आपको एग्जीक्यूट करना है ना। आपने देखा यहाँ अभी मेरे क्या चल रहा है, 100-150 का प्रॉफिट चल रहा है। तो एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है, आप एग्जीक्यूट नहीं करेंगे थर 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 हाथ कांपेगा, ऑर्डर ले लिया दिल धड़केगा, माधुरी दीक्षित दिल धक धक करने लगा टाइप का होगा, तो दिमाग का दही हो जाता है। एग्जीक्यूशन है अभी, प्लान आपको, प्लान तो रात में बनता है। यहाँ पर ये देखिए, ये जो इतने मोटे मोटे पोथी पत्र है ना, ये प्लान इस पे बनता है रात में, और इसको सामने में रखना पड़ता है और उसके हिसाब से एग्जीक्यूशन लेना पड़ता है कि हाँ कौन सा आया कौन सा नहीं आया, जो नहीं आया तो उसको वेट कर रहे, जो आ गया उसमें एग्जीक्यूट किए, काम हुआ फिनिश, हाई बढ़ा गया 297
बैंक निफ्टी का जो है 47,700 का पी हाई 297, नियत देखिए फर्स्ट टारगेट की तरफ जा रहा है। ला 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 ला, ऐसा कौन मिलता है? आरजे यानी रेडियो जॉकी तरफ से भी काम हो रहा है, इधर चल भी रहा है, सीख भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, है ना, गाना भी गा रहे हैं। और एक गाना आपने ये भी सुना होगा, बहुत अच्छा गाना है, क्या नाम है, जीना यहाँ मरना यहाँ। ओहो हो, बहुत ही जबरदस्त। मतलब गीता जो आप पढ़ते हैं ना, कृष्ण का जो गीता है, वो पूरा गीता का सार है, जीना यहाँ मरना यहाँ। वो गाना ध्यान से सुनेंगे ना तो लगेगा एकदम गीता में जितने चीज बनाए उसको गाने में पिरो दिया गया है। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, कल खेल में हम हो ना हो पर गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। ओहो हो, है ना, यानी कि एक दिन सबको जाना है भैया। आप जो करके यहाँ से जाएंगे वही रह जाएगा इस दुनिया में, शरीर तो चला जाएगा। महलों में हो तेरे गीतों की, इंडेक्स में FMCG थोड़ा पॉजिटिव है, FMCG पॉजिटिव है। FMCG में मैंने कौन सा दिया था स्टॉक्स, गोदरेज कंज्यूमर, तो गोदरेज कंज्यूमर जरूर चल रहा होगा ठीक ठाक। गेनर में देखें क्या उसमें मामला जम रहा है क्या। ला 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 ला, ला। महलों में हो तेरे गीतों की मस्ती, टेक महिंद्रा, चलिए टेक महिंद्रा भी ऐड कर लेते हैं, एक वॉच लिस्ट भी यहाँ बन जाएगा अच्छे स्टॉक्स का, है ना। गलियों में हो तेरे बोलों की, अब नहीं दिखेगा यहाँ, अब रिफ्रेश करेंगे तो दिखेगा यहाँ। ला रा ला 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 रा ला रा ला रा ला रा ला, इसको क्लिक करेंगे, ट्रेड विद चार्ट करेंगे तो वहां अलग से चार्ट खुल जाएगा। ला 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 ला। टेक महिंद्रा ना, ओके महिंद्रा। देखिए यहाँ पे एक चीज आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, देखिए ये ओपन हाई है, यानी कि ओपन इक्वल टू हाई है, तो टेक महिंद्रा है इसमें आया हुआ है। और यहाँ अगर इसके चार्ट में देख रहे हैं तो यहाँ ओपन इक्वल टू हाई कहाँ है, ओपन तो 1258 है, हाई 1260 दिखा रहा है, ये तो गलत है, चार्ट गलत दिखा रहा है, वहाँ कुछ और दिखा रहा है। तो चीजें जो है देखिए इस तरह से अंतर हो जाता है भैया। हो तेरे तो की मस्ती, इसको भी ऐड करेंगे, रिलायंस, उसके बगैर वॉच लिस्ट कंप्लीट नहीं होता है। कहाँ जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, कोई बात नहीं। और ये कहाँ गया, टाटा मोटर्स ऊपर, इस पे तो ट्रेड ही नहीं है, वेट करते हैं। हाँ तो क्या देख रहे थे, हाँ क्या पूछ रहे थे कि वहाँ गड़बड़ है ना, देखिए लोग फोन भी राइट इसी टाइम करते हैं तो दिक्कत हो जाता है थोड़ा, नहीं 18:31 चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ चल रहा है ये वापस बैंक निफ्टी नीचे, यहाँ ऐसे करते रहेगा नौटंकी, 47,600 तक चांस बना सकता है जाने का। ये हो गया, हम एक स्टॉक्स देख रहे थे वो देखते देखते भूल गए, ये सपोर्ट एरिया पर इसको तोड़ेगा तभी मामला जमेगा। इधर टेक महिंद्रा, टेक महिंद्रा थोड़ा ठीक है, 1246-47 के नीचे भी सेल हो सकता है, सेल टेक कैम बिलो 1246 के नीचे SL, देखिए बड़ा ये हो जाता है कभी कभी ना, बाउंस अलग सा हो जाता है, मतलब अनसर्टेन। कल जैसे बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस बड़े बन रहे थे, क्या बन रहा था, बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा था, लेकिन बड़ा स्टॉप लॉस, अब 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस नहीं दूंगा ना भाई, तो कुछ तो करेंगे उसमें, तो आपको इसीलिए तो रिस्क मैनेजमेंट बोलता हूँ भाई, फॉलो करो, है ना, और अपनी एनालिसिस भी क्या करिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ना। महलों में हो तेरे गीतों की मस्ती, एक इसका चीज हम लोग को क्या दिखा,
कोटक का कि भाई चार जब भी कोई स्टॉक ऐड करते हैं तो एक बार रिफ्रेश करना पड़ता है, तब तो उसके बाद लिस्ट में दिखता है। दूसरा क्या दिखा कि यहाँ पर ओपन हाई दिखा रहा है हम लोगों को, ओपन हाई, वहाँ चार्ट पर उसके ओपन हाई नहीं दिखा रहा, वो अलग दिख रहा है, मतलब कुछ इशू है, यहाँ ओपन हाई नहीं ना है तो ये कुछ इशू है, ये थोड़ा थोड़ा कुछ पता चल रहा है, मतलब यूज करने से पता चलता है। टाटा मोटर्स 723 हो गया, वाह बहुत ही सुंदर, एक रेंज को ब्रेकआउट किया है, बहुत बढ़िया, कल के हाई को ही सपोर्ट बनाया 712 का। महिंद्रा कैसा चल रहा है? एमएनए मगर मोटर्स में ये है तो क्या करें, यहाँ ऐड कर लेते हैं वॉच लिस्ट में, ये ठीक रहेगा, एमएनए महिंद्रा ये ऐड कर लिया और इसको रिफ्रेश कर लिया। गलियों में है तेरे गीतों की मस्ती, ये अच्छा रिलायंस का चार्ट नहीं खोलते ना, खोले थे रिलायंस, नहीं रिलायंस का चार्ट पहले खोलते, हट जा भाई रिलायंस खोलने दे पहले। इंफोसिस बाउंस कर रहा है, टाटा मोटर्स चलने दीजिए इसको, बैंक निफ्टी ऊपर भाग रहा है, इसका मतलब ये देखिए बैंक निफ्टी ऊपर भाग रहा है ना, तो 47,930 इसके ऊपर जाने पर फिर, या फिर जैसा कि मैंने कहा कि वापस से जो है ये इस तरह से रेजिस्टेंस लेने के लिए एक बार उसको क्लेम कर सकता है, यहाँ से घूमते हुए यहाँ जाएगा और यहाँ से टकरा के ऐसे आ जाएगा, थोड़ा मोड़ा ऊपर भी मार सकता है ऐसे करके ताकि लोग फंस जाए, है ना। तो अभी फिलहाल जो है अच्छा मेरा पोजिशन ना, अब आप खुश हो रहेंगे, लॉस में आ गया बेटा इस बार, लॉस में आया, ये देखिए अरे बाप बहुत भयानक लॉस, कैसे जिएंगे। चलिए देखते हैं रिलायंस, या रिलायंस एक कैंडल के शेडो में लगभग घूम रहा है, लगभग रिलायंस एक कैंडल के शेडो में ही घूम रहा है। ओके 62 ये स्टॉप लॉस कट जाएगा 47,700 वाला कट गया होगा, ये ऊपर जैसे भाग रहा तो उसे क्या हो, फिर चार्ट बहुत यहाँ चल रहा है, जबरदस्त कैंडल बनाया, बहुत ही जबरदस्त कैंडल बनाया, बहुत ही बढ़िया, लेकिन हम थोड़ा वेट करेंगे क्योंकि हम बिल्कुल 47,930 वाला लेवल को फॉलो करेंगे। अब थोड़ा से नीचे आया है तो क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, है ना, थोड़ा ऐड कर लेंगे, वेट करते हैं थोड़ा, एक लॉट मैं यहाँ पर इंक्रीज कर लूंगा अपने हिसाब से भैया, मेरे एनालिसिस के हिसाब से मैंने एक लॉट इंक्रीज कर लिया है। बैंक निफ्टी का चार्ट यही है ना, आ गया बैंक निफ्टी, ये इस तरह से वेट करेंगे, जब तक 47,930 के ऊपर सस्टेन नहीं करे तब तक कुछ दिक्कत नहीं, 48,000 भी पकड़ के चल सकते हैं, उसके नीचे रहेगा तो सेलिंग में रहेंगे। तो क्या किया मैंने, एड कर लिया एक लॉट, है ना, और यहाँ पे आप देखिए मात्र 90 रुपए, तो जो नीचे लिया है थोड़ा सा जब मूवमेंट ऊपर आएगा तो मैं वहां नीचे वाला प्रॉफिट काट दूंगा, नीचे वाला जो क्वांटिटी लिया था उसको खत्म कर दूंगा, तो वो क्या होगा मेरा, समझ रहे ना, बस बस। और अभी देखिए थोड़ा सा रिकॉर्डिंग पॉज कर लेता हूँ, अभी समय 9:55:54 हो रहा है, पॉज करता हूँ, 25-26 मिनट का हो गया है, थोड़ा देर में मिलता हूँ आपसे। समय दोस्तों 10:23:24, तो जैसा कि देखिए बोला था यहाँ से टॉप लगाने के बाद हो सकता है वो नीचे आ जाए, रिजेक्शन आ जाए, तो बिल्कुल उसी हिसाब से ये आ भी रहा है। आप यहाँ पे देखिए मैंने ये चीज आपको यहाँ पे पहले भी समझाया था, मैं फिर से बता दूं कि सेम जगह से वो रिजेक्शन ले रहा है, ये भी रिजेक्शन पॉइंट, ये भी रिजेक्शन पॉइंट, ये वाला, और यहाँ पे भी रिजेक्शन बना रहा है, और वहां से ये धीरे धीरे आ रहा है, तो वापस ये 47,775 से 750 के आसपास आ सकता है, नहीं यही चीजें हो रहा है साथ। तो यही चीज मैंने आपको चार्ट पे समझाया, यही चीज एनालिसिस करके दिखाया, और मेरा जो है 366-70 के आसपास का लॉस चल रहा है फिलहाल, अभी लॉस में है,
है ना, थोड़ा आप खुश हो सकते हैं और देखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं और देखते हैं कितना नीचे ये आता है। और एक बार अगर ये 47,750 के नीचे सस्टेन कर गया या 675 नीचे, तो बड़ा गिरावट बनेगा। जो 600 मेरा टारगेट है पहला, दूसरा 500 वाला है, तो देखते हैं। और अगर अगर ये चल गया तो क्या पता ये 47,350-300 तक भी आ जाए, क्या पता, कुछ भी हो सकता है। मेरा थोड़ा ब्लर है क्या, मैं थोड़ा सा साफ कर लूं क्या? अब ठीक है, चलिए देखिए धड़ाधड़ नीचे आ रहा है 800। अब मेरा कितना बचा, मात्र 225-260 कर लो। वेट करेंगे, टाइम लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी कुछ स्टॉक्स वगैरह इसको सेल दिया है रिलायंस को, वो चल ही रहा है, ठीक है। टेक महिंद्रा ये तो उल्टा भाग गया, लेवल ही उसका ये हो गया, नहीं आया। कोटक एक टाटा मोटर्स रिजेक्शन ले रहा है, टाटा मोटर्स रिजेक्शन ले रहा है, थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा। बाकी ये देखिए पुट ऑप्शन ये चल ही रहा है, यहाँ पर है 45-30 और मेरा 453, और यहाँ से बैंक निफ्टी वापस था रुक गया, कोई दिक्कत था, वेट करेंगे, टाइम लग सकता है, वेट करेंगे। समय दोस्तों 11:37 हो रहा है। देखिए अभी बैंक निफ्टी नीचे आया है 48,885 पर, तो जैसे ये 47,930 के ऊपर निकला, मैंने कॉल ऑप्शन जो पुट ऑप्शन जो ले रखा था 47,300 का, वो दूर का था, उसको मैंने काट दिया था छोटा सा लॉस लेके। अभी फिलहाल उसके जगह पे इसको ले लिया, एक ही लॉट लिया, क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा नजदीक का हो जाता है 47,900 का पुट ऑप्शन, इस वजह से इसी को ले लिया, तो इसमें ठीक है। तो जो उधर से लॉस हुआ 400 रुपया, इधर मैनेज हो गया हमारा, तो खैर ठीक है। अभी हम इसमें वेट करेंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस ऐसे लगा इसलिए दिया क्योंकि अभी मैं जाऊंगा थोड़ा सा नाश्ता पानी करने के लिए, तो इसके वजह से मैंने एक सेफ्टी पर्पज से स्टॉप लॉस लगा दिया है कि इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, जाना चाहिए, जाएगा तो बड़ा लॉस हो सकता है, इसलिए मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया। आता हूँ घूम फिर के, मतलब खा पी के थोड़ा सा नाश्ता पानी, फिर देखेंगे। अभी बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है 47,880। देखिए मेरा अगर मैं अपना व्यू बताऊं तो मेरा व्यू आता है कि वापस ये 47,600 तक आ जाए, 47,500 तक आ जाए आज ही के दिन, मेरा ऐसा व्यू है। लेकिन उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि ये 47,675 के लेवल के नीचे आना होगा, जो ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट बनाया ना उसके नीचे इसको आना होगा, तब तो मेरे ख्याल से ये लेवल बन सकता है। तो फिलहाल वेट एंड वॉच करेंगे, जो चल रहा है अच्छा है। आपको भी मैंने पुट ऑप्शन दिया, आपको वहाँ पर प्रॉफिट बुक करवा दिया, यहाँ पर बाकी चल ही रहा है, ठीक है, तो वेट कर लेते हैं। चलिए दोस्तों समय हो गया 12:19, नाश्ता पानी भी हो गया और 47,850 के आसपास में बैंक निफ्टी चल रहा है, हमारा इधर पोजीशन 1400 के आसपास चल गया, तो ठीक है अब प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और सिस्टम को बंद कर देते हैं, अपना काम फिनिश हो गया आज का। और आपको भी जो दिया था 48,000 का पुट ऑप्शन, उसने टारगेट डन कर दी 50 का, तो ये समझिए फर्स्ट टारगेट डन। और रिलायंस का भी टारगेट डन हो गया है 48,000 का पी, देखें एक बार कितना ऊपर गया, ये गया है 360-370, ठीक है, तो टारगेट डन हो गया। चलिए मैं भी बुक करता हूँ, आप भी घर जाइए, हम भी घर जाते हैं, और हैप्पी वीकेंड के साथ एंजॉय करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, चलिए आप लोग को अपडेट कर देता हूँ, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।